साथियों, 2014 में आप लोगों ने कई दशकों बाद केंद्र में एक स्थिर सरकार बनाई। भाजपा के ने आपके हर आदेश की मर्यादा रखी है, लेकिन आपने 5 वर्ष पहले राजस्थान में भी एक जनादेश दिया था और बदले में राजस्थान को क्या मिला? क्या मिला? अस्थिरता और अराजकता। यहां 5 साल से विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री आपस में लड़ने में ही बिजी है। राजस्थान की जनता की कांग्रेस को कोई चिंता नहीं है। राजस्थान में अपराध चरम पर है। लोग अपने तीज त्योहार तक शांति से नहीं मना पाते। कब कहां दंगा हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं, और कांग्रेस सरकार आतंकियों पर मेहरबान है। कांग्रेस की सरकार आकंठ तुष्टिकरण में डूब गई है। साथियों, यहां बेटियों के खिलाफ साजिश करने वालों को राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने खुली छूट दे रखी है। कांग्रेस सरकार को बेटियों की सुरक्षा की, बेटियों के हितों की परवाह नहीं है। साथियों, आपका ये प्यार, आपके आशीर्वाद, ये मेरी बहुत बड़ी ऊर्जा है। मैं बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि बीते 9 वर्षों में बीजेपी सरकार ने माताओं, बहनों, बेटियों के जीवन चक्र से जुड़ी हर समस्या पर ध्यान दिया। गर्भावस्था के दौरान शिशु को पौष्टिक खाना मिले इसके लिए हमने मातृ वंदना योजना चलाई। महिलाओं के बैंक खाते में पैसे भेजने शुरू किए। शिशु का जन्म अस्पताल में हो, हमने इसके लिए भी अभियान चलाया। बेटी को कोख में ही ना समाप्त कर दिया जाए, इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जन आंदोलन शुरू किए। बेटी जब बड़ी होकर स्कूल जाने लगे तो शौचालय न होने की वजह से कुछ स्कूल ना छोड़े, इसके लिए करोड़ों शौचालय बनाए। बेटी की शिक्षा जारी रहे इसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना में इतना ज्यादा ब्याज देने का काम किया। बेटी बड़ी होकर कुछ अपना काम कर सके इसके लिए बिना गारंटी मांगे लोन देने वाली मुद्रा योजना शुरू कर दी। मां बनने के बाद भी अपनी नौकरी जारी रख सके इसके लिए मातृत्व अवकाश में वृद्धि की। बेटी अगर सैनिक स्कूल जाना चाहे तो उसके लिए हमने सैनिक स्कूल के द्वार खोल दिए। बेटी अगर सेना में अफसर बनना चाहती है तो तीनों सेनाओं में हमने बेटियों के लिए नए रास्ते बना दिए। आज बड़ी संख्या में हमारी वीर बेटियां अग्निवीर में भर्ती हुई है, नौसेना में नाविक भर्ती हुई है। गांव की बहनों को कमाई के अवसर बढ़े इसके लिए 9 करोड़ बहनों तक सेल्फ हेल्प ग्रुप का विस्तार किया और सहायता को भी दोगुना कर दिया। बेटी को रसोई में धुआं सहना ना पड़े इसके लिए उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दिया। बेटी को पानी के इंतजाम में परेशान ना होना पड़े इसके लिए हमने हर घर पाइप से पानी देने की योजना शुरू की। बेटी को अंधेरे में ना रहना पड़े इसके लिए हमने सौभाग्य योजना से मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया। बेटी पैसे की कमी की वजह से अपनी बीमारी छिपाए नहीं इसके लिए हमने उसे आयुष्मान कार्ड की ताकत दे दी। बेटी का घर भी संपत्ति पर भी अधिकार हो इसके लिए पीएम आवास घरों में उसे संयुक्त भागीदारी दी। गृहिणी को अपनी बचत अनाज के डिब्बों में ना रखनी पड़े इसके लिए उसे जनधन योजना के तहत बड़ी संख्या में बैंक खाते खोले। और इन सब प्रयासों का जो परिणाम रहा है वो भी अभूतपूर्व है। सच है यह है कि कांग्रेस के पास राजस्थान के लिए, देश के लिए कोई काम करने के लिए मंगल कल्पना नहीं है, शुभ विचार नहीं है,
उनके पास कोई एजेंडा नहीं। अपने कुशासन को ढकने के लिए कांग्रेस ने एक और नया फॉर्मूला खोज लिया है। ये फॉर्मूला है झूठी गारंटियों का। राजस्थान के किसान और नौजवान तो इसके भुक्तभोगी हैं। ये लोग 10 दिन में गारंटी पूरी करने वाले थे, याद है ना? ये गारंटी याद है ना, उन्होंने पिछली बार दी थी 10 दिन में पूरे करने वाले थे। आप मुझे बताइए, जो कांग्रेस ने कहा था, जो वादा किया था, वो निभाया क्या? वो पूरा किया क्या? जो कहा वो किया क्या? भाइयों और बहनों, ये ऐसी गारंटियां देते हैं जिनको अगर अमल में लाया जाए तो राज्य और देश दिवालिया हो जाएगा। दुनिया में आज जो देश दिवालिया हो रहे हैं उनकी स्थिति आप देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का यही विजन है, यही नीति है। इसलिए कांग्रेस से राजस्थान के लोगों को बहुत सावधान रहना है। साथियों, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए विकसित राजस्थान बहुत जरूरी है। इस दशक के अगले 7 साल बहुत अहम है। इन 7 सालों में देश के लोग भारत का कायाकल्प होते हुए देखेंगे। भारत का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक हाईवे, आधुनिक रेलवे, आधुनिक एयरपोर्ट दुनिया में किसी देश से कम नहीं होंगे। भारत के लोगों के पास दुनिया के किसी देश से कम सुविधाएं नहीं होगी। भारत के लोगों के पास शिक्षा के, स्वास्थ्य के बेहतरीन संसाधन होंगे। भारत दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के रूप में उभर आकर का आने वाली है। भारत दुनिया में सबसे बड़े निर्यातक देशों में से एक बनेगा। भारत दुनिया में सबसे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक बनेगा। इन सभी में राजस्थान के लोगों को बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। पराक्रम और परिश्रम की पुण्य भूमि नवनिर्माण का आह्वान कर रही है। इस नवनिर्माण को आशीर्वाद देने के लिए आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, आपने 9 साल मुझे काम करते देखा है, बिना थके बिना रुके, सिर्फ और सिर्फ 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार, यही मेरा परमात्मा। और अभी भी आपके उज्जवल भविष्य के लिए जी जान से जुटा रहूंगा। ये आशीर्वाद, ये आपके आशीर्वाद ही मेरी ताकत है, वही मुझे काम करने की प्रेरणा देती है। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।